बानी है जिसने यहाँ पर वैक्सीन का टीम भेजा, क्योंकि हम चार वैक्सीन लगाएं क्योंकि इस पे हुकूमत की सख्त पाबंदियाँ आयद होने वाली हैं और स्टूडेंट्स ने, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त शायान खान और आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करते, आपको अपडेट करते कि आज अब्दुल खान यूनिवर्सिटी मर्दान में VCCF के मैसेज पर कोरोना वैक्सीन की टीम ने यहाँ का विज़िट किया है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए ताकि वो भी वैक्सीन लगा सके, और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी वैक्सीन के लिए गए हैं, वैक्सीन लगा रहे और कुछ क्लासेस में मसरूफ़ है, क्लास के बाद वैक्सीन लगा रहे लगाने के लिए आएँगे। तो आइए आपको अपडेट दे चलिए वैक्सीन टीम के हवाले से। देखा कि हमने आपको कोरोना वैक्सीन टीम की विज़िट भी कराई और अब हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे इनके हवाले से। क्या नाम है आपको और कौन से डिपार्टमेंट से हो? जी, मेरा नाम एहतजाज़ है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा एहतजाज़, आप बताइएगा कि अभी जो वैक्सीन टीम आई है तो आपने वैक्सीन लगा ली है? जी बिल्कुल, मैंने वैक्सीन लगवाया है। और इसके बारे में आप क्या स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहते हो, VC साहब को, चेयरमैन साहब को, कि आपको आसानी हुई या क्या बताना चाहते हो? जी सर, ये तो VC साहब की बड़ी मेहरबानी है जिसने यहाँ पर वैक्सीन का टीम भेजा, क्योंकि हम 4 बजे हमारे क्लासेस ख़त्म होते और फिर उसके बाद हम घर जब पहुँचते हैं तो 7-8 बजे होते, टाइम भी लगता है, जिसकी वजह से हमें वैक्सीन लगवाने का मसला होता है। तो इस वजह से हम VC साहब की बड़ी मेहरबानी अदा करते हैं कि उसने वैक्सीन का टीम यहाँ पर भेजा और बहुत से स्टूडेंट्स ने फ़ायदा उठाया, सब ने वैक्सीन लगवाए और जिस स्टूडेंट्स ने भी नहीं लगवाए वो आके लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में आए और यहाँ पर अपने वैक्सीन लगवाए। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट के पास जाते हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए, उनसे वैक्सीनेशन के हवाले से बात करते आइए। जी नाज़रीन, अब और स्टूडेंट से बात करते हैं वैक्सीन के हवाले से। जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलमान खान है। कौन से डिपार्टमेंट से हो? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो सलमान खान, अभी जो वैक्सीनेटेड टीम ने जो यहाँ पे विज़िट करी है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आपने वैक्सीन लगा ली यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैंने अभी फ़र्स्ट डोज लगाया हुआ है और अभी यहाँ पे जो टीम आई है उससे फ़र्स्ट डोज लगवाया मैंने। अच्छा, तो और स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई? जी बिल्कुल, मेरा और स्टूडेंट को पैगाम है कि आएँ और वैक्सीन लगाएँ, क्योंकि इस पे हुकूमत की सख्त पाबंदियाँ आयद होने वाली हैं और जब यूनिवर्सिटी से आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ रश में और इतनी भीड़ में आपको इतनी कोशिश करनी पड़ती है। नाम क्या और कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो? मेरा मानू शकील है और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा मानूर शकील, आज जो कोरोना वैक्सीन की टीम ने यूनिवर्सिटी में विज़िट किया है तो इसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये तो एक अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी वालों का, क्योंकि स्टूडेंट्स ने, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं किए और वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो ये यूनिवर्सिटी वालों का एक बड़ा इकदाम है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ईजली स्टूडेंट्स जाके वहाँ पर वैक्सीनेशन उन लोगों ने कर लिया, क्योंकि मैंने खुद अभी विज़िट किया था और मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने वैक्सीनेशन कर। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी मिलवाया और कोरोना वैक्सीन टीम जो यहाँ पर आई है उनका विज़िट भी करवाया है और स्टूडेंट का इसके बारे में जो तसरात थे वो भी आप लोगों के सामने रख लिए, और आखिर में मैं सिर्फ चेयरमैन साहब का सिर्फ एक मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मंडे से अगर कोई भी स्टूडेंट वैक्सीन के बग़ैर यूनिवर्सिटी में आए तो उसे यूनिवर्सिटी में अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। इसी पर अख्तिताम करते हैं, मेरे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।